अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सभी ठीक होंगे। जैसा आप लोगों को पता ही होगा, हमने एक्सरसाइज 9.3 अपने इस चैप्टर की कंप्लीट की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 9.4 उसी वाले चैप्टर की। इसमें थोड़ा सा पढ़ना है। टॉपिक का मैंने ऊपर रखा है नाम, मल्टीप्लाइंग पॉलिनॉमियल बाय पॉलिनॉमियल। कैसे हम एक पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल के साथ मल्टीपल करेंगे, आप बताओगे। सर ये तो हमने सीखा है। नहीं, हमने पूरा अभी तक नहीं सीखा है। हमने ये सीखा है कि मोनोमियल को मोनोमियल के साथ कैसे मल्टीपल किया जाता है, बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमेरिकल पार्ट सेपरेटली एंड अल्जेब्रिक पार्ट सेपरेटली एंड टेक देम इनटू अकाउंट एज मल्टीप्लिकेटिवली, देन वी फाइंड आउट द रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनॉमियल्स टू मोनोमियल्स। ओके, इसी तरीके से मोनोमियल को कैसे बाइनोमियल के साथ मल्टीपल किया जाता है बाय मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, वो भी हमने सीखा है। मोनोमियल को कैसे ट्राइनोमियल के साथ किया जाता है मल्टीपल। मोनोमियल का प्रोडक्ट कैसे इवाल्वेट किया जाता है किसी भी और पॉलिनॉमियल के साथ जिसमें तीन से ज्यादा टर्म्स होगी, ये तो हमने पढ़ा है। ठीक, जो आज हम सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं कि एक पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल में जनरल में कैसे किया जाएगा मल्टीपल। मसलन बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ, बाइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ, ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ, ट्राइनोमियल को किसी और पॉलिनॉमियल के साथ, या बाइनोमियल को किसी और पॉलिनॉमियल के साथ कैसे प्रोडक्ट के तौर पर कैसे इवाल्वेट किया जाएगा अगर उस दूसरे पॉलिनॉमियल में मोर देन टू टर्म्स होगी, या दो या दो से ज्यादा टर्म्स होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको कि कैसे दो बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास में एक बाइनोमियल है 2x+3 और दूसरा जो बाइनोमियल है दैट इज 3z++ है सपोज 7। ओके, मेरे पास में ये दो बाइनोमियल्स है। आई नीड टू कैलकुलेट देयर प्रोडक्ट। क्या मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे इनका प्रोडक्ट? सर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, इनका प्रोडक्ट अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? नाउ इनका प्रोडक्ट जो होगा, मैं ऐसे लिखूंगा 2x+3 और बीच में मल्टीपल यहाँ पे फिर दूसरी वाली टर्म लिखेंगे 3z+7। ठीक है बेटा, अब जरा बताइए यहाँ पे कैसे हम करेंगे। एक ही बार याद रखना बेटा, हम यहाँ पे भी फिर से अपनी वही वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं कि रैशनल नंबर्स जब भी हम मल्टीपल केटिवली ऑपरेट करते हैं विद टू और मोर रैशनल नंबर जिसमें कि दो से ज्यादा टर्म्स होगी, तब जाके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ही हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है या सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल करनी पड़ती है। यहाँ पे भी असल में क्या करना है, हमें इस बाइनोमियल को इस बाइनोमियल के साथ प्रोडक्ट के तौर पर लेना पड़ेगा। तो करेंगे क्या, इस 2x को पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मल्टीप्लिकेटिवली ओवर दिस बाइनोमियल, फिर बीच में प्लस रखेंगे। ठीक है, फिर 3 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस पूरे बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेटिवली डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, अब कैसे करेंगे? सर जो इसकी पहले वाली टर्म है, पहले हम 2x को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरे दूसरे बाइनोमियल के साथ यानी कि 3z+7 के साथ, और प्लस लिखेंगे बीच में क्योंकि 2x खाली, हमने खाली 2x का प्रोडक्ट इसके साथ नहीं देखना है 3z+7 के साथ, बल्कि जो इसकी दूसरी टर्म है पूरे बाइनोमियल का ख्याल रखना पड़ेगा। बोले हमने किसका ख्याल रखा सर? 2x का। 3 तो बुरा मानेगा ना। अब 3 की इस बुराई को दूर करने के लिए हम 3 को भी मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मल्टीप्लिकेटिवली ओवर दिस वेरी बाइनोमियल, यानी कि 3 को हम प्रोडक्ट निकालेंगे किसके साथ? 3z+7। ठीक, उसके बाद में क्या करना है बेटा? उसके बाद में अब हमें ये चीज पता है कि मल्टीपल कैसे किया जाता है एक मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ। फिर से दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वो क्या आएगा? 2x × 3z मोनोमियल को मोनोमियल के साथ, यानी कि चलिए हम लिखते हैं 2x को मल्टीपल करना पड़ेगा 3z के साथ, और प्लस बीच में आएगा ये वाला, फिर 2x को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7 के साथ, प्लस ये 3 आएगा, प्लस ये आएगा, प्लस ये वाला प्लस। ठीक, फिर 3 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस बाइनोमियल के ऊपर। बाइनोमियल में दो टर्म्स है तो दोनों टर्म्स के साथ हम इसको बेटा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए करते हैं। 3 × 3z आएगा पहले वाले टर्म, और उसके बाद में आएगा प्लस बीच में ये वाला प्लस, फिर 3 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 7 के साथ मल्टीप्लिकेटिवली, ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। 2 × 3z आएगा 6, और अल्जेब्रिक पार्ट्स जो इनके है ना बेटा x × z दैट विल बी xz, और यहाँ पे जो न्यूमेरिकल पार्ट्स होंगे 2 × 7 = 14 उनका प्रोडक्ट आएगा, और क्योंकि अल्जेब्रिक पार्ट खाली यहाँ पे एक फैक्टर है x में, यहाँ पे कोई अल्जेब्रिक फैक्टर है नहीं तो x आएगा खाली। 3 × 3 = 9, और अल्जेब्रिक फैक्टर एक ही है दैट इज दैट 3 × 7 = 21। ठीक है बेटा, अब इसके बाद करना क्या है बेटा? अब फिर हमने
छान छान मारनी है और देखना पड़ेगा कहीं पे लाइक टर्म्स मत है, लाइक टर्म्स को एक जगह रखेंगे। देखिए बेटा यहाँ पे वेरिएबल एक्स जेड, कहीं पे वेरिएबल एक्स जेड नहीं, यहाँ पे खाली वेरिएबल एक्स, कहीं पे वेरिएबल एक्स खाली नहीं, यहाँ पे वेरिएबल जेड, कहीं और आपको नहीं दिख रहा ऐसी कोई टर्म जिसमें खाली वेरिएबल जेड हो। इसी तरीके से यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट टर्म है विदाउट वेरिएबल, एज ए रिजल्ट कहीं पे कॉन्स्टेंट नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कि इन दो बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट हम यही ले लेंगे। ठीक है बेटा, है ना सिंपल। चलिए आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, आपको ये वहीं से समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, खाली आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी हमारे पास में बाइनामियल और बाइनामियल के साथ प्रोडक्ट करना पड़ेगा तो तब जाके हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाइनामियल, पहले बाइनामियल की दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेटिवली ओवर द सेकंड बाइनामियल, फिर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हो और इस तरीके से हमारे पास में आता है हमारे दोनों बाइनामियल्स का प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 9.4 का पहला क्वेश्चन हमें क्या बताता है। मल्टीपल द फॉलोइंग बाइनोमियल्स, हमारे पास में कुछ बाइनोमियल्स दिए गए हैं, हमें इनका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। जो मैं एक पार्ट में आपको प्रोसीजर दिखाऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, वही प्रोसीजर आपको बाकी सभी रिमेनिंग पार्ट्स में अप्लाई करना पड़ेगा और आपके आंसर हो गए। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं। पहला क्या है, हियर द गिवन बाइनोमियल्स आर, ऐसे सॉल्यूशन हम लिखेंगे पहला पार्ट पहले क्वेश्चन का, एक्सरसाइज 9.4 का। ठीक है बेटा, हियर द गिवन बाइनोमियल्स आर, हियर द गिवन बाइनोमियल्स आर, गिवन बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स आर। ठीक है बेटा, चलिए आर के बाद हम यहां पे लिखेंगे दोनों बाइनोमियल्स। पहला वाला है 2x+5 एंड दूसरा जो वाला है बेटा बाइनोमियल दैट इज 4x-3 जब कभी भी आपके पास में बाइनोमियल होगा तो आप इन ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट्स का मुजाहिरा कर सकते हो वहां पे, यानी कि उनको रख सकते हो बाइनोमियल्स को विद इन दीज ब्रैकेट्स। ठीक है, हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट है। ठीक है, वी नीड टू मल्टीपल देम, हम यहाँ पे लिखेंगे वी नीड टू मल्टीपल देम, इन दोनों बाइनोमियल्स को हमने मल्टीपल करना पड़ेगा। नाउ मतलब अब क्या करना है हमें। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, पहले बाइनोमियल को ले लेंगे, किसको, 2x+5 को, इसका प्रोडक्ट बेटा किसके साथ निकालना है, 4x-3 के साथ। तो ऐसे ही लिखेंगे ना, इसका मतलब ये ब्रैकेट का मतलब ये प्रोडक्ट है। आप यहाँ पे प्रोडक्ट साइन दिखाओ या ना दिखाओ, एक जैसी बात है ना। अब अगर एक जैसी बात है तो क्यों दिखाए, तो यूजुअली नहीं दिखाई जाती है। ठीक है, अब ये किसके बराबर आएगा, फिर से बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, बाइनोमियल की पहले टर्म यानी कि 2x को हम दूसरे बाइनोमियल के पूरे के ऊपर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। कैसे सर, जैसे बताया गया है मल्टीपल केटिवली 2x को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके साथ, किसके ऊपर या किसके साथ, दैट इज 4x-3 के साथ, उसके बाद में 5 बुरा मानेगा ना, इसलिए 5 को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरे दूसरे हमारे इस बाइनोमियल के साथ, दैट इज 4x-3। ओके, उसके बाद ये चीज हमें आ रही है समझ में, क्या चीज समझ में आ रही है, यहाँ पे बेटा है ये प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल विद अ बाइनोमियल, ये भी प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल विद अ बाइनोमियल। फिर से दोबारा से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल। ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा 2x/4x और बीच में बेटा है माइनस, फिर आएगा जब माइनस होगा तो 2x को दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, और फिर 5 का ख्याल रखेंगे, 5 को इन दोनों टर्म्स के ऊपर करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूट, 5x और माइनस आएगा यहाँ पे 5x3 आएगा। ठीक, आई बात बेटा समझ में, यानी कि 5 को मैंने 4x के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर मैंने 5 को 3 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज हियर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन, ओके, और एडिशन, दोनों सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोनों मोनोमियल्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, 2, 4 आएगा 8, न्यूमेरिकल पार्ट्स का प्रोडक्ट, x × x होगा सर x², फिर माइनस आएगा यहाँ पे 3×2 आएगा 6, और खाली यहाँ पे एक ही अलजेब्रिक फैक्टर है पहले वाले मोनोमियल में, दूसरे वाले मोनोमियल में कोई अलजेब्रिक फैक्टर है नहीं, तो यहाँ पे आएगा -6x, 5×4 आएगा 20, लेकिन +20, ये न्यूमेरिकल पार्ट्स का प्रोडक्ट है, अलजेब्रिक पार्ट जो है बेटा खाली एक है, दैट्स एक्स, और आएगा लास्ट में 5×3 = 15, -(+), दैट इज -15। ओके, तो आगे जाके हमारे पास में आएगा 8x², क्योंकि 8x² के साथ कोई और टर्म नहीं दिख रही है जो कि इसके साथ लाइक में आएगी, एज अ रिजल्ट
यह बेचारा रहेगा अकेला रोता हुआ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों टर्म्स के ऊपर फोकस कीजिए आप। यहाँ पे है एक्स वाली टर्म, यहाँ पे भी है एक्स वाली टर्म, इनका वेरिएबल सेम, पावर ऑफ वेरिएबल भी सेम, इसका मतलब ये दोनों आपस में बहने हैं, तो बहनों को एक जगह रखना पड़ेगा, खाया रखना पड़ेगा इकट्ठे, तो यानी कि ये दोनों टर्म्स है बेटा लाइक। अगर लाइक है तो क्या करेंगे सर, जैसे दिया गया है, जैसे प्रिस्क्राइब किया गया है वैसे ही करेंगे, इनको ऐड करेंगे। 20x में से 6x निकालेंगे, 20 में से 6 तो कितना आएगा, दैट विल बी 14, तो बड़े वाले की साइन रहेगी, दैट इज 14 और x इनके साथ एसोसिएट होगा, यानी कि 14x यहाँ पे आएगा। और क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास में खाली एक है, तो हमारे पास में इन दोनों बाइनोमियल्स का जो प्रोडक्ट आएगा बेटा, वो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आएगा बेटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ना, बिकॉज सभी टर्म्स में अगर हम देखेंगे पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे कॉन्स्टेंट, यहाँ पे वेरिएबल प्रेजेंट नहीं, उसका पावर होगा बेटा 0। इसका मतलब इन तीनों टर्म्स में जो वेरिएबल एक्स है उसका पावर क्या है बेटा, उसका पावर है सर बोलना मत, तो क्या बोलना पड़ेगा सर, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये चीज आपको आई होगी समझ में, आई होप, ठीक है। अब उसके बाद में इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट हम लेते हैं, तो उसके लिए हमें जो रब करना है, मैं वो अभी काम कर रहा हूँ, मेरा इंतजार करना, कहीं पे जाना नहीं, वीडियो को कंटिन्यू करना बेटा, ठीक है। चलिए ये चीज हमें रब करनी पड़ेगी यहाँ पे, जो कि गिवन है, तो वो रब करेंगे, बाकी ये चीजें आप ऐसे ही रखोगे, ठीक है, इनका ख्याल रखोगे। अब इसके बाद में जो दूसरा वाला पार्ट है बेटा, वो क्वाइट इजी है, इसलिए यू आर एडवाइज्ड टू डू इट ऑन योर ओन। उसके बाद में जो हमारे पास में तीसरा वाला पार्ट, क्योंकि ये डेसिमल्स में दिया गया है, चलिए हम इसको लेते हैं, ठीक है। तो हियर द गिवन बाइनोमियल्स आर 2.5 L और इसके बाद इसके साथ जो दूसरी वाली टर्म है, दैट्स 0.-0.5 m, ओके। और जो दूसरा बाइनोमियल है बेटा, दैट इज 2.5 L और बीच में प्लस है 0.5 m, ठीक है बेटा। यही तो हमारे पास में है बाइनोमियल, दैट इज 2.5 L - 0.5 m एंड 2.5 L + 0.5 m। हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू मल्टीपल देम, इनको मल्टीपल करना पड़ेगा। तो मल्टीपल करने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ आप क्या करेंगे, इन्हीं का ख्याल रखेंगे मल्टीपल के ड्यूली। चलिए ख्याल रखते हैं इनका, 2.5 L - 0.5 m आएगा यहाँ पे, और मल्टीपल में क्या करना पड़ेगा, 2.5 L + आएगा बीच में 0.5 m। आई बात समझ में, हाँ आई, जरा बताइए यहाँ पे मल्टीपल दिखाना पड़ेगा सर, एक जैसी बात है, ब्रैकेट्स का मतलब ही होता है प्रोडक्ट, तो नहीं दिखाना पड़ेगा, ठीक है। विच इम्प्लाइज दैट, दोनों इम्प्लाइज दैट नहीं, सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू देना पड़ेगा, इम्प्लाइज दैट हम उस वक्त नए स्टेप पे लिखते हैं जबकि हमारे पास में कोई इक्वेशन होगी, अगर इक्वेशन नहीं होगी, किसी एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करते जाते हैं आगे, तो इक्वल टू लगाना पड़ता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल विद द बाइनोमियल है, ठीक है, पहले बाइनोमियल की दोनों टर्म्स को करेंगे डिस्ट्रीब्यूट ओवर द होल सेकंड बाइनोमियल, ठीक है। कैसे सर, ऐसे जैसे आपने दिखाया 2.5 L को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके ऊपर, 2.5 L + 0.5 m, ओके। उसके बाद में -0.5 m को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2.5 L के ऊपर प्लस 0.5 m के ऊपर, ठीक। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल विद बाइनोमियल, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सर, यहाँ पे आएगा 2.5 L × 2.5 L, ओके। उसके बाद में क्या आएगा, प्लस बीच में ये वाला प्लस आएगा बीच में, फिर आएगा 2.5 L × 0.5 m, ठीक है। उसके बाद में माइनस ये वाला, ठीक है, -0.5 m और इसको किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2.5 L के ऊपर, 2.5 L के ऊपर, और फिर इसी -0.5 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, -0.5 m को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके ऊपर, दैट इज 0.5 m, ठीक है बेटा। ये समझ में आई होगी आपको बात, पहले हमने क्या किया, 2.5 L को इन दोनों टर्म्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया, वाया 2.5 L × 2.5 L, फिर 2.5 L × 0.5 m, फिर -0.5 m को हमने 2.5 L के साथ पहले डिस्ट्रीब्यूट किया, और फिर हमने इसे -0.5 m को डिस्ट्रीब्यूट किया मल्टीप्लिकेटिवली किसके साथ, 0.5 m के साथ,
चलिए इन प्रोडक्ट्स को करते हैं कैलकुलेट। फिर से ये क्या है सर, डेसिमल, ये दोनों हमारे पास में दोनों मानों में अलग से इनका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, इनके अल्जेब्रिक पार्ट्स और न्यूमेरिकल पार्ट्स को सेपरेटली लेना पड़ेगा प्रोडक्ट, फिर मल्टीप्लिकेटिवली करेंगे एसोसिएट, तब जाके हमारे पास में रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, अच्छा इसका न्यूमेरिकल पार्ट 2.5, इसका न्यूमेरिकल पार्ट 2.5 × 2.5। ठीक है, देखिए बेटा जब हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन होता है, जब हम अगर हम इनको एज ए होल नंबर ले लेंगे 25 × 25, वो कितना आता है 625। फिर हमें पता है कि अगर हमारे पास में जो डिसिमल नंबर्स होंगे, अगर एक प्लेस के बाद डिसिमल होगा दोनों में, तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होता है उसमें आता है ये सम ऑफ प्लेसेस की जाती है, और उसके दोनों के दो प्लेसेस के बाद फिर डिसिमल आएगा, यानी कि 2.5 × 2.5 दैट विल बी 6.25, बिकॉज 25 × 25 विल बी 625, तो यहां पे आएगा 6.25, लेकिन L into L होगा बेटा L स्क्वायर, प्लस क्या आएगा बीच में, आप देखो इधर 2.5 × 0.5, देखिए बेटा आर में इस 2.5 को 25 × 5 ले लूंगा, 25 × 5 ले लूंगा, जरा बताइए आर ये होता 4 × 25, वो आता 100, बिकॉज 4 × 25 जब हम करते हैं तो आता है किसके बराबर, 100 के बराबर, अब 5 × 25 है, 100 को एक और 25 करिए ऐड, वो कितना आएगा 125, असल में क्या है बेटा ये आएगा 125, असल में 0.05 था ना, 0.5 का मतलब, 0.5 का मतलब 5 ही लिख सकते हैं, इसका मतलब यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा 5 × 25 दैट विल बी एक्चुअली 125, क्योंकि दो के बाद यहाँ पे एक के बाद एक प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे एक प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पे हमने लाना पड़ेगा दो डेसिमल, दो प्लेसेस के बाद में डेसिमल पॉइंट। ठीक है, वो आएगा 1.25, ये आएगा 1.25 इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमेरिकल पार्ट्स, और एल इंटू एम यहाँ पे आएगा बेटा, माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब फिर से 0.5 × 2.5, 5 × 2.25, 5 × 25 फिर से आएगा 125, दो प्लेसेस के बाद डेसिमल आएगा, तो वो आएगा यहाँ पे बेटा माइनस, लेकिन माइनस आएगा 1.25, लेकिन एम स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ पे आएगा एल इंटू एल, सॉरी यहाँ पे आएगा 2.5, हाँ यहाँ पे सॉरी एल एम, ठीक है ये ठीक है। फिर हमें क्या करना है, 0.5 यहाँ तक आ गया बेटा, दिस इंटू दिस आ गया ये प्रोडक्ट, ये और ये प्रोडक्ट आया इसके बराबर, अब इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 0.5 × 2.5 दैट विल बी 1.25, लेकिन नेगेटिव आएगा, प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस, और एम इंटू एल या एल एम हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एल एम हम लिख सकते हैं, बिकॉज एम इंटू एल, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखेंगे एल एम इन दोनों वेरिएबल्स को। फिर से 0.5 × 0.5 हम लिख सकते हैं ना 5 × 5, वो कितना आता है 25 आता है, तो दो के बाद में डेसिमल आएगा, तो डेसिमल यहाँ पे आएगा, एज रिजल्ट ये बन जाएगा 0.25, तो ये कितना आएगा दैट विल बी माइनस ओके माइनस 0.25, लेकिन m इंटू एम विल बी एम स्क्वायर। अब जरा बताए ये दोनों टर्म्स है ना लाइक टर्म्स, देखिए 6.25 आएगा बेटा ऐसे ही l स्क्वायर, 6.25 l स्क्वायर, अब ये दोनों टर्म्स है लाइक, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, एज अ रिजल्ट दे विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, यहाँ पे आएगा माइनस 0.25, लेकिन क्या आएगा बेटा m स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म्स जो है बेटा अलग अलग से है, तो हमने इनको ऐसे रखना पड़ेगा, इसका मतलब इन दोनों बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट जो हमारे पास में है वो इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के बराबर है। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इन टू वेरिएबल्स दैट इज एल एंड एम, बिकॉज़ इनका पावर जो है ना बेटा हाईएस्ट पावर दोनों टर्म्स में वो 2-2 है, एज अ रिजल्ट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब जब हमारे पास में वेरिएबल का पावर होगा 2। ठीक है, कितनी टर्म्स है, दो टर्म्स है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आ गया इन दोनों बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये पॉलीनोमियल है बिकॉज दोनों में अगर हम देखेंगे पावर ऑफ वेरिएबल एल ओवर एम क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर या तो होल नंबर, बिकॉज यहाँ पे भी वो 2 है और एम का भी यहाँ पे पावर है बेटा 2। ठीक है, तो होप यू आर अंडरस्टूड इट। इसके बाद में जो बाकी के पार्ट्स हो गए, आई एम नॉट फीलिंग ये कुछ डिफिकल्ट है, खाली लास्ट वाला जो पार्ट है ना बेटा वी आई, आपको वहां पे रैशनल नंबर दिया गया है, तो जल्दी से मैं यहाँ पे दिखाऊंगा थोड़ा सा आपको क्या दिया गया है। चौथा वाला पार्ट क्या है, चौथा वाला पार्ट आपको ऐसे फॉर्मेट लिखना है 3/4a² 3/4a² और फिर उसमें है प्लस 3b² 3b², ये पहला बाइनोमियल है और इसका प्रोडक्ट हमें लेना पड़ेगा किसके साथ, 4 × ऐसे है 4 बाहर 4 × a² 4 × a² माइनस a² − 2/3 2/3 b². ठीक है, अब इन दोनों बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट हमें निकालना पड़ेगा। आप बताओगे सर ये तो आ रही है बात समझ में कि ये बाइनोमियल है, लेकिन ये बाइनोमियल
कैसे, ठीक है, करना क्या पड़ेगा, एक स्टेप आप ऐसे लिखोगे 3 डिवाइड बाय 4 इनटू ए स्क्वायर पर लिख, फिर लिखोगे 3 बी स्क्वायर, ठीक है, फिर ऐसे ये बीच में प्रोडक्ट अगर नहीं भी दिखाएंगे तब जाके, लेकिन दिखाओ यहाँ पे दिखाओ, बिकॉज 4 यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। मल्टीपल में क्या आएगा, मल्टीपल में आएगा, अब यहाँ पे देखिए ये मल्टीपल किसना मोनोमियल विद बाइनोमियल है, फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दोनों टर्म्स के ऊपर, तो आएगा 4 इनटू ए स्क्वायर, दैट विल बी 4 ए स्क्वायर, फिर 4 डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 3 इनटू बी स्क्वायर, 4 2 आ आएगा 8 माइनस 8 डिवाइड बाय 3 बी स्क्वायर। आप कुछ समझ में आ रहा है सर, ये तो आप दोनों बाइनोमियल्स दिख रहे हैं हमें, अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बाइनोमियल के दोनों टर्म्स को यानी कि 3 डिवाइड बाय 4 ए स्क्वायर को पहले इसके ऊपर मल्टीप्लिकेटिवली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद 3 बी स्क्वायर को हमें इसके ऊपर मल्टीप्लिकेटिवली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक, वो आसान बात है ना, 3 डिवाइड बाय 4 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई दिस एंड 3 प्लस आएगा 3 बी मल्टीपल बाय 4 ए स्क्वायर माइनस 8 डिवाइड बाय 3 बी स्क्वायर, फिर वहां पे फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 3 डिवाइड बाय 4 ए होल स्क्वायर, इसके साथ प्रोडक्ट, इसके साथ प्रोडक्ट, फिर इसका प्रोडक्ट इसके साथ, इसके साथ, फिर वहां पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल्स आएगा, न्यूमेरिकल पार्ट्स का अलग से बना, और जो हमारे पास में अल्जेब्रिक पार्ट्स होते हैं उनको अलग से प्रोडक्ट निकालना है, फिर दोनों प्रोडक्ट को हम एसोसिएट करेंगे मल्टीप्लिकेटिवली, आपके पास में आएगा आंसर। लेकिन ध्यान में रखना है कि अगर कोई फैक्टर कॉमन होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में व्हाइल फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमेरिकल पार्ट्स, तो वो चीज आपको बेटा कैंसिल आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया अब पूरा कंप्लीट पहला वाला क्वेश्चन, अब हम इसी एक्सरसाइज का दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट्स, फिर से बाइनोमियल है तो हमें इनका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए हम ये चीज फिर से रब करेंगे, ठीक है। चलिए ये मैंने रब किया पूरा, ठीक है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अरे कहीं भी प्रॉब्लम है तो वो भी बेटा मेंशन करना, ठीक है। चलिए ये बाइनोमियल हम करेंगे अब रब, ठीक, तो ये चीज भी हम रब करेंगे थोड़ा सा, और बाकी ये लाइन रहने देंगे, ठीक। फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द प्रोडक्ट्स, फाइंड द प्रोडक्ट्स, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, हियर द गिवन बाइनोमियल्स आर, इनको हम अलग अलग से लिखेंगे एज बाइनोमियल्स, ठीक है, तो वो है 5 माइनस 2x, 5 माइनस 2x, एंड दूसरा जो बाइनोमियल है यहाँ पे एज अ फैक्टर दिया गया है, दैट इज 3 प्लस एक्स, ठीक है। वी नीड टू कैलकुलेट देयर प्रोडक्ट, वी नीड टू कैलकुलेट देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट उसके लिए क्या करेंगे सर, नाउ हम क्या करेंगे, 5 माइनस 2x जैसे क्वेश्चन दिया गया है वैसे हम इसको लिखेंगे 3 प्लस एक्स, कुछ ऐसा है, ठीक है, दैट इज 5 माइनस 2x, और दूसरा जो बाइनोमियल है जिसके साथ इसका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा दैट इज 3 प्लस एक्स। इनफैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे दिया गया, अब मैंने इनको अलग अलग से दिखाया क्योंकि ये दो बाइनोमियल्स थे, इनका प्रोडक्ट निकालना है। फिर से क्या करना है सर, जवाब आपने बताया पहले बाइनोमियल की दूसरी दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, दूसरे बाइनोमियल के दोनों टर्म, पूरी दोनों टर्म्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मल्टीप्लिकेटिवली। पहले तो 5 डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके ऊपर, 3 प्लस एक्स के ऊपर, फिर -2x डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके ऊपर, 3 प्लस एक्स के ऊपर, ओके। अब यहाँ पे क्या है, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, यहाँ पे आएगा 5 इंटू 3, पहले 5 डिस्ट्रीब्यूट होगा 3 के ऊपर प्लस बीच में, फिर 5 डिस्ट्रीब्यूट होगा x के ऊपर, फिर -2x डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके ऊपर, 3 के ऊपर, और फिर प्लस बीच में, फिर माइनस बीच में आएगा -2x, बिकॉज यहाँ पे भी प्लस है ना बेटा, -2x डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके ऊपर, x के ऊपर मल्टीप्लिकेटिवली प्लस x के ऊपर, ठीक। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन मानो मेरे से तो कर सकते हैं, 5 3 15 आएगा यहाँ पे, 5 2 10, लेकिन आएगा बेटा माइनस, बिकॉज प्लस इंटू माइनस दैट माइनस 10, हेयर इट इज एक्स, हेयर इट इज ऑल्सो एक्स, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ये आएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी हमारे पास में तीसरी वाली, ये वाली टर्म, सॉरी, तो यहाँ पे हमारे पास में पहला मोनोमियल था 5 3 15, और दूसरा है 5 इंटू एक्स दैट इज प्लस 5x, सॉरी, और तीसरा वाला जो पॉलीनोमियल मोनोमियल है ना बेटा, ये 2x -2x को हमें 3 के साथ प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, 2 3 आ रहेगा -6 और x आएगा यहाँ पे, आई बात समझ में, 2 3 6 -x 6x, और 2 इंटू 1 आएगा -2x, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको बेटा, देखो यहाँ पे 5 डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों टर्म्स के ऊपर, 5 इंटू 3 पहले 5 इंटू x, 5 इंटू 3 आता 15, 5 3 5 इंटू x आता 5x, -2x को फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, -2x इंटू 3, फिर -2x इंटू x, -2x इंटू 3, 2 3 आएगा 6, -6 और x इनके साथ रिलेट होगा, और फिर -2x और x के साथ ये आएगा x स्क्वायर, -2 और x इंटू x विल बी x स्क्वायर, ये सही है बेटा,
अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को चुन चुन के लाएंगे और लिखेंगे। लेकिन बेटा ये पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल को हमेशा से लिखा जाता है या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म होने का मतलब यह है कि जो पावर होती है ना बेटा, जिन जिन टर्म्स की ग्रेटर पावर होती है उनको हम प्रिस्क्राइब करते हैं पहली वाली पोजीशन में। समझ में आ रही बात? यानी कि अ पॉलिनॉमियल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट इज वेरियस टर्म्स आर रिटन इन द डिसेंडिंग पावर ऑफ देयर वेरिएबल्स। यानी कि किसी भी पॉलिनॉमियल को हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में तब जाके है जब इसकी सभी टर्म्स को घटती हुई तरतीब ऑफ देयर पावर्स लिखा जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे भी वही घटती हुई तरतीब ही हम इस्तेमाल करेंगे। जरा बताए यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म है, इसका पावर है ना 2, पहले हम ये लिखेंगे -2x², क्योंकि ये खाली एक थी तो इसका अलग से ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, उसके बाद में क्या है -6x और 5x, दोनों टर्म्स लाइक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा तो साइन रहेगी बड़े वाले की। 6x में से 5x चले गए, वो खाना खाने के लिए गए, एक एक्स्ट्रा रह गया जिसको जो भूख के मारे यहाँ पे रह गया, तो इसको रहना पड़ेगा यहीं पे। और 15 बेचारा बाहर वेट कर रहा है तो इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है बेटा, ये इन दोनों पॉलिनॉमियल्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट। अब इसके बाद में बेटा मैं इसका दिखाऊंगा आपको चौथा वाला पार्ट। कौन सा? फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आईवी पार्ट। ठीक, तो उसके लिए फिर से सर ये चीज आप करेंगे रब और ये चीज भी आप करेंगे रब। ठीक सर, तो आपके कहने पे ही चलता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज पार्ट नंबर फोर्थ। यहाँ पे हम फिर से ऐसे लिखेंगे, हियर द गिवन बाइनोमियल्स आर, कौन कौन सा बाइनोमियल है, p² - q² एंड दूसरा वाला जो पॉलिनॉमियल है दैट इज 2p + q। ये हमारे पास में दो बाइनोमियल्स है इनफैक्ट। ठीक, हमें इनका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, वी नीड टू कैलकुलेट देयर प्रोडक्ट। नाउ p² - q² और प्रोडक्ट लेना पड़ेगा 2p + q के साथ। ठीक है, फिर से वही बात, पहले बाइनोमियल के दोनों टर्म्स को हम दूसरे बाइनोमियल होल बाइनोमियल के ऊपर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले बाइनोमियल की पहली वाली टर्म क्या है, p² को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मल्टीपल के टूली 2p + q के साथ। फिर -q² को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2p + q के साथ मल्टीपल के टूली, तो वहां पे क्या आएगा, वो p² को फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन दोनों टर्म्स के साथ, आएगा p² मल्टीपल बाय p² * 2p + q सर 2 स्क्वायर। तो यहां पे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा बेटा p² * 2p, फिर बीच में प्लस, फिर p² * q आएगा। ठीक है बेटा, और फिर -q² को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पहले 2p के साथ, फिर इसी -q² को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, किसके साथ, मल्टीपल बाय q के ऊपर। ठीक, वो आएगा बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियर विद मोनोमियर, 2 1s are 2, इसका न्यूमेरिकल पार्ट है ना, न्यूमेरिकल पार्ट है 1, 2 1s are 2 आएगा 2p² * p, दैट्स p³। ओके, उसके बाद में यहाँ पे p² * q ही आएगा प्लस p² * q, बिकॉज इनका न्यूमेरिकल पार्ट 1 था, 1 1s are 1, 1 कोएफिशिएंट एज अ नहीं दिखाया जाता है किसी भी टर्म का। फिर हमारे पास में -1 * 2 आएगा -2, इन दोनों मोनोमियर्स के न्यूमेरिकल पार्ट्स का प्रोडक्ट। फिर आएगा q² * p, हम वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे q² p को हम लिखेंगे p q square। ओके, यहाँ पे आएगा p q square, फिर आएगा यहाँ पे -q * q square, तो माइनस आएगा बेटा, कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 हम नहीं दिखाएंगे, q² * q, दैट विल बी q³। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, इस जो हमारे पास में ये प्रोडक्ट आया तो एक पॉलिनॉमियल आया, इसको हम लिखेंगे अपने तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, जिनकी डिग्री बड़ी उनको पहले क्या किया जाता है, खाना परोसा जाता है। तो हम पहले जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म्स है बेटा, उनको पहले खाना परोसेंगे और उनको पहले दावत देंगे। चलिए दावत देंगे 2p³ को और ये वाली क्यूबिक टर्म -q³ को भी, और उसके बाद में क्योंकि लाइक टर्म कोई दिख नहीं रही है इसलिए मैं लिख रहा हूं इसे। ठीक है, उसके बाद में प्लस p² q, और इसके बाद में -2p² q। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में ये प्रोडक्ट आया बेटा, ये इन दोनों पॉलिनॉमियल्स का, दोनों बाइनोमियल्स का क्या है बेटा, प्रोडक्ट, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। तो होप यू अंडरस्टूड इट,
मैं एक और क्वेश्चन दिखाता, लेकिन फिर जो आपको बताई है प्रॉब्लम हो जाती है कंप्रेशन में, फिर अपलोडिंग में, अगर लंबा चौड़ा वीडियो होगा तो इतना काफी है। नेक्स्ट वाली वीडियो लेक्चर में इसके नए वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू बेटा।